श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की जय। नमस्कार, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और महत्वपूर्ण जानकारी को सभी लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इस साल जो श्रावण का महीना है वो दो बार आएगा और कब कब इसकी डेट रहने वाली है, शुद्ध श्रावण और मल मास कब लग रहा है, श्रावण महीने का कृष्ण पक्ष कब होगा, श्रावण महीने का जो शुद्ध शुक्ल पक्ष होगा वो कब होगा, श्रावण का महीना 2023 में कब से लेकर कब तक रहेगा और जो कावड़ का गंगा जल है वो कब चढ़ेगा, श्रावण महीने की शिवरात्रि कब होगी, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना है और बहुत मेहनत लगती है एपिसोड को बनाने में। आपका फर्ज है शंकर भगवान का नाम लेकर इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर करना है। एक बार मेरे साथ मिलकर सभी भक्त भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगा देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, साल 2023 में दो श्रावण आएंगे और उनकी संपूर्ण डेट क्या है और श्रावण शिवरात्रि का व्रत कब होगा, संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2023 में जो कावड़ गंगा जल का मुहूर्त है वह कब होगा। तो सभी भक्तजन और जो कावड़ लाने वाले श्रद्धालु हैं वो कृपया करके ध्यान दें कि अब की बार जो जल चढ़ाने का विशेष मुहूर्त है वह आपका बनेगा 15 जुलाई और शनिवार का दिन होगा और श्रावण महीने की शिवरात्रि होगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, जो जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त है वो 15 जुलाई दिन शनिवार और श्रावण शिवरात्रि का व्रत होगा। प्यारे बंधु जनों, स्क्रीन पर सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है, अच्छी तरह से इस जानकारी को नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं साल 2023 में श्रावण का जो महीना है, प्रथम शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा 4 जुलाई मंगलवार से प्रारंभ होगा, प्रथम शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष, और यह 17 जुलाई तक चलेगा। 17 जुलाई तक प्रथम शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष चलेगा। उसके बाद 18 जुलाई से मंगलवार, 18 जुलाई मंगलवार से श्रावण का जो अधिक मास है यानी कि पुरुषोत्तम मास है, मल मास भी जिसको बोलते हैं, 18 जुलाई मंगलवार से शुरू हो जाएगा और यह रहेगा 16 अगस्त दिन बुधवार तक श्रावण का मल मास रहेगा, कृष्ण पक्ष का मल मास। और उसके बाद 17 अगस्त से जो द्वितीय श्रावण है, शुक्ल पक्ष है, शुद्ध जो श्रावण के महीने का शुद्ध शुक्ल पक्ष है वो 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा और जो रहेगा यह आपका रहेगा, यहां पर जो जानकारी दिखाई जा रही है 31 अगस्त, 31 अगस्त को जो श्रावण का महीना है वो समाप्त हो जाएगा श्रावण पूर्णिमा के साथ। 17 अगस्त से शुद्ध श्रावण शुरू होकर 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ श्रावण का महीना
समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर जानकारी आप सुन लीजिए, जो सबसे पहला शुद्ध श्रावण पक्ष शुरू होगा 4 जुलाई मंगलवार से 17 जुलाई सोमवार तक, उसके बाद 18 जुलाई से और 16 अगस्त तक जो आपका है वो श्रावण महीने का मल मास रहेगा। उसके बाद 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक द्वितीय शुद्ध श्रावण मास रहेगा। श्रावण महीने का जो शुक्ल पक्ष है 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा। 31 अगस्त गुरुवार के दिन श्रावण के महीने की पूर्णिमा तिथि होगी। प्यारे बंधुजनों, स्क्रीन पर भी सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।